वैसे तो क्षण क्षण परिवर्तन होता ही रहता है संसार में, हर सेकंड परिवर्तन होता है। इस दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी एक जैसा नहीं है, परिवर्तन। बस एक घड़ी का दूसरे घड़ी में परिवर्तन, केवल एक परिवर्तन शब्द ही है जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे कहते हैं। परिवर्तन होता है पर परिवर्तन शब्द कभी परिवर्तित नहीं होता है, वो तो है ही परिवर्तन सदाई। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में अगर सचमुच हमें सफल करना है, जो बाबा ने उस दिन भी कहा कि 5000 वर्ष की भेंट में ये जो संगम का समय है ये तो केवल कुछ घंटों के समान है, बस घंटे। और इन घंटों में हमें सफल करना है अपना जीवन, जो सारा कल्प हमारा भाग्य बन जाए, केवल आधा कल्प नहीं, सारा कल्प। तो एक तरफ तो बाबा कहते हैं सब बना बनाया है, कुछ भी नया नहीं बन रहा है, पर दूसरी तरफ बाबा ये भी कहते हैं कि तुम सब अभी जो करोगे वो कल्प कल्पांतर प्राप्त करोगे। दोनों बातें विरोधाभासी लगती है लेकिन है ये सत्य। इसीलिए कहा गया है हाँ ग्रंथ में, जैसे आता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, जो बना बनाया वही बन रहा है। लेकिन हमें पता नहीं है ना, हमें पता नहीं है इसलिए हमें बनाना है, है तो वही बना बनाया ही, कुछ भी नया नहीं बन रहा है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। कोई कहते हैं भाई कैसे पता चले कुछ भी नया नहीं हो रहा है, तो बहुत उदाहरण है उसके, बहुत मिसाल दे सकते हैं, बहुत प्रमाण दे सकते हैं कि मनुष्य भविष्यवाणियां कैसे करते हैं। आजकल तो बहुत भविष्यवाणियां हो रही है, हर एक देखो अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहा है तो, और सचमुच जैसे कह रहा है वैसे हो रहा है। तो भविष्यवाणियां होना, ये करना और फिर उस अनुसार होना, ये सिद्ध करना पहले सिद्ध करता कि पहले से निश्चित था ना, नहीं तो कैसे की भविष्यवाणी। अगर पहले से ही निश्चित नहीं होता तो भविष्यवाणी भी नहीं हो सकती है। तो इससे सिद्ध है कि सब कुछ फिक्स्ड है, लेकिन पता नहीं है, इसीलिए पुरुषार्थ भी करना है। तो जब ये बात हमको समझ में आ जाती है तो सचमुच महसूस होता है कि ये तो सब खेल है, खेल है, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। तो खेल माना ही खेल, हाँ, कोई नई बात नहीं है। अब क्रिकेट मैच है, क्रिकेट खेल है, बॉल आता है बैट से उसको मारते हैं, इतना ही होता है ना, ये होता है ना। फिर कोई पकड़ते हैं, कोई आउट करते हैं, कोई छक्का मारते हैं, कोई क्या करते हैं, वो खेल है ये। पर है तो खाली ना बॉट और बैट और बॉल के बीच में बस ना, कैसे मारा क्या मारा, बस खेल है। और कैसे देखना होता है खेल, साक्षी दृष्टा हो करके। भले खेल देखने वाले चिल्लाते भी हैं, खूब आवाज़ करते हैं, लेकिन खेल खेलने वाले चिल्लाते नहीं हैं, आवाज़ नहीं करते, वो तो उसमें ध्यान देते हैं कि अभी मेरे पास बॉल आएगा, मुझे कैसे बैट से मारना है। और बॉलर भी ध्यान से बॉल मारता है कि ऐसे नहीं बाहर चला जाए।
और पकड़ने वाले भी इंतज़ार करते हमारे पास बॉल आ जाए, मतलब वो इतना कंसंट्रेशन होता है, इतना ध्यान होता है, भले है वही खेल। तो हमको भी ये खेल खेलना है, ध्यान भी उतना ही हो, लेकिन ध्यान के साथ साथ न्यारा प्यारा भी उतना ही रहना है। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.